चीनी वजारत खारजा के तर्जमान कहते हैं कि वो आलमी इदारे सेहत के साथ मिलकर कोरोना के असल गढ़ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अमरीका वायरस के वुहान लैब में बनाने के सबूत सामने लाए। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा हुआचिन यंग ने कहा कि कोरोना वबा के इब्तदाई मरकज की तलाश के हवाले से चीन आलमी इदारे सेहत की कोशिशों की हिमायत करता है। हुआचिन यंग का कहना था कि हम वबा के इब्तदाई मरकज समेत आलमी इदारे सेहत पर इस मामले पर ताबुन के लिए तैयार हैं और उन्होंने फ्रांस, स्वीडन और अमरीका से मौसूल होने वाले सिग्नल्स की जानिब इशारा किया जो खुद इस बात का इंदिया देते हैं कि ये वायरस चीन से नमूदार नहीं हुआ है। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का मजीद कहना था कि साइंसदान अब तक इस मामले पर किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे, तो माइक पोम्पियो जल्दबाजी में ये नतीजा क्यों अखज कर रहे हैं कि ये वायरस वुहान लैब से नमूदार हुआ है। इस बात का सबूत कहाँ है? हमें इस बात का सबूत दिखाएं। अगर वो हमें इसका सबूत नहीं दिखाते तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सबूत बनाने के अमल में मसरूफ हैं। हुआचिन यंग का कहना था कि इस मामले पर माइक पोम्पियो के इंटरव्यू देखें तो खुद इनके बयानात में तजाद है। इन बयानात में तजाद इसलिए है क्योंकि वो एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोलते हैं और ये खुली हकीकत है।